अयोध्या में साकार राम मंदिर में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के लिए शहर में भी उत्साह का माहौल है। नागपुर शहर के एक राम भक्त प्रफुल्ल माटेगांवकर ने खामला के मालवीय नगर के स्नेह संवर्धक सोसाइटी स्थित अपने घर में हूबहू राम मंदिर की प्रतिकृति साकार की है। उन्होंने मंदिर की स्वयं ड्राइंग बनाई और फ्रेम स्ट्रक्चर का निर्माण किया। यह मंदिर 21 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 11 फुट है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर इस मंदिर में 100 साल पुरानी राम जी की मूर्ति स्थापित करेंगे और पूजा होगी। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रत्यक्ष शामिल नहीं हो पाने का दुख आज भी होता है। अयोध्या में मनाए जाने वाले ऐतिहासिक दिन के अवसर पर रामलला के चरणों में छोटा सा योगदान देने का संकल्प उन्होंने लिया है। एक और जहां अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उत्साह दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर नागपुर में भी रामलला के प्रति हर कोई अलग अलग ढंग से अपनी श्रद्धा को न्योछावर कर रहा है। इसी श्रृंखला में नागपुर के एक सिविल इंजीनियर ने एक अद्भुत चीज का निर्माण किया है। प्रफुल्ल माटेगांवकर ने अपने घर पर अयोध्या के राम मंदिर की 11 फीट की प्रतिकृति बनाई है, जिसकी इन दिनों पूरे शहर भर में चर्चा हो रही है। तो आइए आज बात करते हैं प्रफुल्ल माटेगांवकर से। जी नमस्ते। ये जो हम प्रतिकृति देख रहे हैं, ये मैंने इसका दिवाली में एक्चुअली ये बनाने का सोचा था, क्योंकि मैं दिवाली में छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों के मॉडल्स तैयार करता था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस साल जो सब अयोध्या का माहौल सभी जगह है, तो क्यों ना हम राम जी के उस मंदिर की प्रतिकृति यहाँ साकार करें दिवाली में। लेकिन जब उसका मैंने अभ्यास किया तो मुझे एक चीज़ का ध्यान आया कि ये इतना आसान नहीं है। तो मैंने फिर उसको पोस्टपोन किया, पहले उसका स्टडी चालू किया और फिर दिवाली होने के बाद एक्चुअल जो अपने को नेट पर जो फोटोग्राफ्स अपने को मंदिर के देखने को मिलते हैं, फोटोग्राफ से भी ज़्यादा जो डिजिटल इमेजेस जो बनाई हुई है, जो पर्सपेक्टिव्स बनाए हैं, वो मैंने बहुत सारे डाउनलोड किए और उसके ऊपर फिर मंदिर शास्त्र इम्प्लीमेंट करके मैंने मेरा सिविल इंजीनियरिंग जो भी मैं पढ़ा हूँ उसका इम्प्लीमेंटेशन करके सबसे पहले ग्राफिकल ड्राॅइंग्स बनाए। और ग्राफिकल ड्राॅइंग्स बनाने के बाद वो जो अपनी ये जो प्रतिमा बनी है, ये 21 फीट लंबी, 15 फीट चौड़ी और 11 फीट ऊंची और उसके ऊपर 4 फीट का ध्वजदंड, ऐसे 15 फीट की उसकी ऊंचाई है। तो फिर इसका फिर जब एग्जीक्यूशन चालू हुआ तो मुझे ये थोड़ा काम करने के लिए अच्छा स्ट्रॉन्ग ऐसा स्ट्रक्चर होना था, इसलिए मैंने 1x1 इंची का MS पाइप उसमें यूज़ किया, जिसमें फिर ये 7 हिस्सों में पहले स्ट्रक्चर पूरा बना, फिर वो एक एक स्ट्रक्चर आते गए और हम यहाँ पे उसको इंस्टॉल करते गए, उसको वाटर लेवल में पूरा इंस्टॉल किया। फिर उसके ऊपर जो बाकी काम जो हुआ, एक्चुअल बिल्डिंग वर्क, जो अपने को आर्चेस दिख रही है, घूमट दिख रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग मीडिया फिर मैंने यूज़ किया। तो इसकी आर्चेस जो बनी हुई है वो 181 आर्चेस है टोटल, 3 मंजिली ये बिल्डिंग है, हम देख सकते हैं कभी भी। तो वो आर्चेस मैंने बनाई है 4mm फोम शीट में। और फिर उसके बाद जो गुम्बज बने हुए हैं वो बने हैं जो हम अभी थर्मोकॉल पर बंदी है, तो हम थर्मोकॉल यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने जो हम फर्नीचर के काम में, यानी अपने अपोस्ट्री के काम में, सोफ़ा के, मेट्रेसेस के काम में जो हम हिटलॉन शीट यूज़ करते हैं, उस हिटलॉन शीट का यूज़ करके 3 इंची, 2 इंची और 1 इंची, ऐसे वो शीट यूज़ करके ये पूरा मंदिर बनाया है। और इसको जो पेंट हम देख रहे हैं, 2 शेड्स में अपन देख सकते हैं इसको, तो इसको जो हम घर में, घर के बिल्डिंग को, यानी बिल्डिंग को जो एक्सटीरियर पेंट हम मारते हैं वो मारा हुआ है, लेकिन वो स्प्रे गन से मारा गया है, ऐसा सब हुआ है ये। और मेरी इच्छा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 22 तारीख को जब अयोध्या में 12:10 में जो पूजा है 22 जनवरी को, उसी समय मैं यहाँ पे हमारे इस मंदिर में, हमारे घर में बहुत पुरातन ऐसी 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी मूर्ति है राम लक्ष्मण की, तो उसको हम यहाँ पे स्थापित करेंगे और उसकी महाआरती करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से 3 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद यह राम मंदिर साकार हुआ है। राम मंदिर से जुड़े ऐसी ही खबरों के साथ फिर मिलेंगे इन बिजनेस न्यूज़।